वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का एपिसोड 11 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रपल अलायंस 1815 में बनी। कांग्रेस ऑफ वियना जब हुआ तो उसी कांग्रेस ऑफ वियना के साथ साथ होली अलायंस बना, जो हमारा पिछला लेक्चर था एपिसोड 10 का। होली अलायंस बना और इसी कांग्रेस ऑफ वियना में क्वाड्रपल अलायंस भी बना 1815 में, जो आज का हमारा लेक्चर है। हम देखेंगे कि क्वाड्रपल अलायंस नाम से जाहिर है, क्वाड 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 कहते हैं फोर को। तो इस क्वाड्रपल अलायंस के सिग्नेटरीज कौन कौन थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए क्वाड्रपल अलायंस सिग्नेटरीज इसके, रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया ग्रेट ब्रिटेन, इन चार कंट्रीज ने मिलकर यह क्वाड्रपल अलायंस बनाया था। ठीक, और बना कब, कांग्रेस ऑफ वियना का इवेंट था। ये उसी कांग्रेस ऑफ वियना की ही डेवलपमेंट्स हैं, होली अलायंस का बनना, क्वाड्रपल अलायंस का बनना। ठीक, तो इसके सिग्नेटरीज चार हैं, रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्वाड्रपल अलायंस की, क्यों बनाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। देखें, सबसे पहला, टू स्टॉप फर्दर फ्रेंच एग्रेशन। ये कंट्रीज, चार कंट्रीज, इन्होंने जो अलायंस बनाया है, इनका मकसद यह है कि फ्रांस को रोकना, ताकि वो मजीद यूरोप के अंदर हालात खराब ना करे। फ्रांस में कोई ऐसी पर्सन, क्योंकि देखें रेवोल्यूशन भी फ्रांस के अंदर आया, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आने की वजह से वो रेवोल्यूशनरी सेंटीमेंट्स का एक स्पिल ओवर इफेक्ट नजर आता है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, कि वहां के जो लोग हैं उनके अंदर भी रेवोल्यूशनरी सेंटीमेंट्स जागते हैं अपने बादशाह के अगेंस्ट, चर्च की अथॉरिटी के अगेंस्ट। एपी सेंटर था फ्रांस रेवोल्यूशन का, लेकिन इसका स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरे कंट्रीज में नजर आता है। ठीक, दूसरी बात, फ्रांस के अंदर पर्सनैलिटी आई नेपोलियन, और नेपोलियन ने फिर पूरे यूरोप के अंदर लड़ाइयां लड़ी, उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ठीक, उसको ज्यादा कोट किया जाता है उसके कॉन्टिनेंटल सिस्टम को, कि उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक ब्लंडर था जिसने पूरे यूरोप को स्टार्वेशन तक ले गया, पूरे यूरोप के अंदर स्कार्सिटी ऑफ फूड हुई, पूरे यूरोप के अंदर सोशल अनरेस्ट हुआ, सिर्फ नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से। और नेपोलियन कहां का था, फ्रांस का था। फिर नेपोलियन ने फ्रांस को सीरीज ऑफ वॉर्स में इन्वॉल्व किया, पेनिनसुलर वॉर हमने पढ़ी। ठीक, तो अब क्वाड्रपल अलायंस के जो सिग्नेटरीज हैं, ये चाहते हैं कि फ्रांस को फर्दर एग्रेशन से रोका जाए, टू स्टॉप फर्दर फ्रेंच एग्रेशन, ताकि फ्रांस में कोई ऐसा बंदा ना आए कि दोबारा से फ्रांस को सीरीज ऑफ वॉर्स में इन्वॉल्व करे और पूरे यूरोप का पीस डिस्टर्ब करे। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन पीस इन यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर हमने पीस मेंटेन करना है, ये भी क्वाड्रपल अलायंस का ऑब्जेक्टिव था। क्यों, क्योंकि ये चार मेजर बिग पावर्स हैं, पूरे यूरोप को चला रही हैं ये चार बिग पावर्स, तो ये चाहती हैं कि पूरे यूरोप के अंदर पीस मेंटेन रहे, कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई रेवोल्यूशन आ जाए या कोई नेपोलियन जैसी पर्सनैलिटी उठाए और दोबारा से यूरोप को सीरीज ऑफ वॉर्स में इन्वॉल्व करे। तो अब वो चाहते हैं कि पीस आए, इन्होंने बहुत ज्यादा ब्लडशेड देख लिया था, अब ये पीस की तरफ जा रहे थे कि कोई पीस हो, रिलेटिव पीस हो, टू मेंटेन पीस इन यूरोप। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखो, टू इंश्योर दैट नेपोलियन और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिड नॉट इंडेंजर पीस। इस क्वाड्रपल अलायंस का एक ऑब्जेक्टिव यह भी था कि नेपोलियन, ना ही नेपोलियन ना ही उसकी फैमिली का कोई मेंबर दोबारा से यूरोप का पीस इंडेंजर करे। नेपोलियन के एंबिशंस हमने देखे थे, फ्रांस को किस तरह उसने सीरीज ऑफ वॉर्स में इन्वॉल्व किया, तो इसीलिए अब ये क्वाड्रपल अलायंस के जो सिग्नेटरीज हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा नेपोलियन जैसा बंदा ना आए और ना ही उसकी फैमिली का कोई मेंबर आए और दोबारा से पूरे यूरोप का पीस तबाह कर दे। ठीक, अगला ऑब्जेक्टिव देखें, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। अब क्वाड्रपल अलायंस का एक ऑब्जेक्टिव यह भी था कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है, ये जो चार बिग पावर्स हैं, ऐसे ना हो कि एक पावर ऊपर उठे, अगर एक पावर ऊपर उठती है तो अल्टीमेटली जो बाकी पावर्स हैं वो इनसिक्योर फील करेंगी, और अगर इनसिक्योर फील करेंगी तो अल्टीमेटली लड़ाई होगी, आर्म्स रेस होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर, ये चार बिग पावर्स हैं इनके दरमियान में बैलेंस हो, किसी एक को उठने नहीं देना, कोई अगर एक भी उठता है तो बाकियों के लिए इनसिक्योरिटी हो जाएगी और दोबारा से पीस डिस्टर्ब होगा, सोशल अनरेस्ट आएगा, वॉर्स होंगी, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव इसका था, टू मीट एट इंटरवल्स फॉर म्यूचुअल कंसल्टेशन टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। क्वाड्रपल अलायंस में इन्होंने यह बात की थी कि हम
टाइम टू टाइम मीटिंग्स करेंगे, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनको मिलके रिजॉल्व करेंगे। ये सिग्नेटरीज कह रहे हैं कि हम मिलके उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे और म्यूचुअल कंसल्टेशन से करेंगे, ठीक। टू मीट एट इंटरवल्स, वक्त के साथ साथ हम मिलते रहेंगे फॉर म्यूचुअल कंसल्टेशन टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट आएगा, ऐसे नहीं है कि बस एक कंट्री उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाएगी और उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को अपनी मर्जी से वो करेगी, रिजॉल्व करेगी, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस तरह तो फिर डिस्पैरिटी आएगी, अनइक्वेलिटी आएगी। तो होगा ऐसे कि हम मिलेंगे और म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ हम इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि ये बात ना हो कि कल को रशिया कहे कि इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से रिजॉल्व किया है, मेरा तो बीच में कोई से ही नहीं था, तो मैं तो इस जो आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला है उसको नहीं मानता। तो इस तरह के जो फ्यूचर में खराबियां हो सकती हैं या कोई और इस तरह के एतराजात हो सकते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, इन एतराजात को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने कहा कि हम म्यूचुअल कंसल्टेशन से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। अब ये तो थे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, पांच क्वाड्रपल अलायंस के। ऑब्जेक्शन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के, क्वाड्रपल अलायंस का हिस्सा है ग्रेट ब्रिटेन, हिस्सा है, लेकिन उसे ऑब्जेक्शन है कुछ। क्या ऑब्जेक्शन है देखें, ग्रेट ब्रिटेन जीबी, ग्रेट ब्रिटेन वॉज अगेंस्ट द क्लॉज विच डेल्ट विद द फ्यूचर ऑफ फ्रांस, कि यहां पर इन्होंने कहा टू स्टॉप फर्दर फ्रेंच एग्रेशन, ठीक। अब ग्रेट ब्रिटेन को इस चीज से एतराज है, किस चीज से, कि आप फ्यूचर ऑफ फ्रांस की बार बार बात क्यों कर रहे हो, व्हाई अदर कंट्रीज आर इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ फ्रांस, कि बाकी कंट्रीज फ्रांस के इंटरनल मैटर में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। चलो ग्रेट ब्रिटेन ये बाकी बातें तो मानता है, टू मेंटेन पीस इन यूरोप, टू इंश्योर दैट नेपोलियन और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिड नॉट इंडेंजर पीस, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, टू मीट एट इंटरवल्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को तो वो मानता है, लेकिन इस क्लॉज को वो नहीं मानता कि फ्यूचर ऑफ फ्रांस बार बार आप इस पे फोकस कर रहे हो, फ्रांस के इंटरनल मैटर्स के अंदर आप हाथ डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की पॉलिसी रही है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी रही है ग्रेट ब्रिटेन की, किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में ग्रेट ब्रिटेन हाथ नहीं डालता, और वही चीज इसको एतराज दे रही है कि ये क्वाड्रपल अलायंस के जो बाकी सिग्नेटरीज हैं वो क्यों बार बार फ्यूचर ऑफ फ्रांस की बात कर रहे हैं, व्हाई अदर कंट्रीज आर इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ फ्रांस, ठीक। अब यहां तक बात समझ आई। अब जो हमारा अगला एपिसोड होगा, एपिसोड 12, वो होगा कंसर्ट ऑफ यूरोप, या इसे कहते हैं ब्रेकअप ऑफ द कंसर्ट ऑफ यूरोप। ये जो क्वाड्रपल अलायंस बनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे, वक्त के साथ साथ इनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के डिफरेंसेस तो आप अभी से देख रहे हो ना, कि वो कहता है क्यों आप किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में हाथ डाल रहे हो, तो ये डिफरेंसेस ऐसा बढ़ते जाते हैं, और हमारा अगला लेक्चर इसी चीज पे, कंसर्ट ऑफ यूरोप, और फिर हम देखेंगे कि ब्रेकअप ऑफ द कंसर्ट ऑफ यूरोप कैसे होता है, ये क्वाड्रपल अलायंस कैसे टूट जाती है, ये डिफरेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं इनके दरमियान, तो कैसे बढ़ते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इनके डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं और आखिर जाके ये क्वाड्रपल अलायंस टूट जाता है, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।